ओके चलिए समझते हैं कि हम लोग अपने पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट को क्रिएट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि उनकी गाइडलाइन क्या है। जैसे कि मैं अपने चैनल पर चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर के मैं कम्युनिटी पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर मुझे अपने लेक्चर्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है और उसके लिए इमेज बनाना है, जैसे मैंने पहले पोस्ट किया हुआ, तो उस इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, तो मैं इस इमेज पर चला जाऊंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि अच्छा इन्हें क्या इमेज चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 2:5 या 5:2, जो प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। तो मैं एक काम करूंगा कि कोई इमेज रैंडम अपना यहाँ पर मैं अपलोड करके देखता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है ये, और इसको मैंने अपलोड किया, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरी पूरी इमेज नहीं दिखा रहा है। जैसे मैं एडिट प्रीव्यू पर चला जाऊंगा तो मेरी कुछ इमेज का ये हिस्सा कुछ कट जा रहा है और इधर का कुछ हिस्सा क्रॉप हो जा रहा है। लेकिन इस स्ट्रक्चर से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं जिस पर इमेज अपना बना रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वो अगर एक स्क्वायर शेप में हो तो मेरा पूरा का पूरा इमेज यहाँ पर अपलोड हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैं अपना पावर पॉइंट ओपन कर लूंगा और पावर पॉइंट ओपन करके इसमें मैं कुछ सेटिंग करूंगा। जैसे कि यहाँ से जा करके मैं इसका लेआउट में ब्लैंक कर दूंगा और उसके बाद डिजाइन पर क्लिक करके मैं इस स्लाइड साइज पे चला जाऊंगा। उसके बाद यहाँ कस्टम स्लाइड साइज पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ का जो विड्थ और हाइट है दोनों को सेम ही ले लूंगा। जैसे कि मैं इसको रखना चाहता हूँ कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर विड्थ रख लेता हूँ और 25 सेंटीमीटर हाइट रख लेता हूँ। ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद दो ऑप्शन आता है कि मैक्सिमाइज करना है या फिट करना है, तो मैं काम करता हूँ कि मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, इंश्योर टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कर दूंगा तो मुझे ये स्क्वायर वाला जो पोर्शन है मिल जाता है। अब मैं इसमें जो भी इमेज लगा करके जो भी पोस्ट करना चाहता हूँ उसको लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे इंडियन अमेरिकन, ठीक है, इंडियन अमेरिकन से रिलेटेड जो इमेज है मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे इमेज आ जाएंगे। मान लीजिए कि मैंने इस इमेज को कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पोस्ट कर दिया और मैं ये सेक्शन रख देता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट डालूंगा। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, होम पर क्लिक करूंगा और यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको एक बार क्लिक कर दूंगा। अब हिंदी या इंग्लिश जो भी लिखना चाहे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हाउ मेनी इंडियंस आर देयर इन अमेरिका, ठीक है, मैं इसको लिख करके अब इसको मुझे अगर रिसाइज करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद होम पर चला जाऊंगा और यहाँ से इसका मैं फॉन्ट चाहिए तो चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं फॉन्ट जैसे जैसे चेंज करूंगा वो चेंज होते जाएगा। तो मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ, लाइक ये सेमी गोल्ड वाला मैं फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इसका साइज बड़ा करना चाहूंगा तो साइज बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करके मैं इसे पोजीशन में लाकर रख सकता हूँ। और बड़ा करना है तो मैं इसको ऊपर नीचे करके इसके साइज को और बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मुझे और बड़ा वर्डिंग चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद इसको अगर सेंटर में करना है तो यहाँ से सेंटर में कर सकता हूँ और फिर इनको अगर अंडरलाइन करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सबको एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ए बी ये कलर है बैकग्राउंड, इसमें जो भी बैकग्राउंड अगर मुझे देना है या आपको देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मुझे रेड बैकग्राउंड देना है तो रेड के लिए आपको जो टेक्स्टिंग है वो व्हाइट रखनी पड़ेगी, तभी जा करके आपका ग्लो अच्छा आएगा। तो मैं इस टेक्स्टिंग को मैं व्हाइट कर सकता हूँ, ठीक है, व्हाइट कर सकता हूँ, या ऐसे ही आप अपने हिसाब से जो भी कलर टेक्स्ट के लिए रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बैकग्राउंड में जो भी कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं हम, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करेंगे, तो फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद किसी भी फोल्डर में आपने सिलेक्ट कीजिए और ये जो इसका फॉर्मेट है पीपीटी नहीं, इसका फॉर्मेट हम जेपीईजी में सिलेक्ट करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे ये फाइल नेम इस पे थोड़ा सा सेव एज पर क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे और इसे
JPEG पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि भाई ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ मैं उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि जैसे ऑल स्लाइड करना है, जस्ट दिस वन करना है, तो खाली जिस स्लाइड को हमें सेव करना है हमें वही जो है अपने फाइल में सेव, अपने डिस्क में सेव करना, तो इस पर क्लिक कर देंगे जस्ट दिस वन, और देखेंगे कि ये फाइल आपके डिस्क में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये फाइल मैंने जो अभी अभी बनाई है, ये फोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब इसको अपलोड करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली आता है। तो अपने चैनल पर वापस चला जाऊंगा और इमेज वाले, कम्युनिटी के इमेज वाले पर क्लिक करूंगा फिर से, और यहाँ से वही फोटो यहाँ अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ देखूंगा कि प्रॉपरली ये जो मेरा फोटो था ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई क्रॉपिंग दिखाई नहीं दे रही है, पूरा का पूरा फोटो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम चाहेंगे तो अपना यहाँ से पोस्ट पर क्लिक करके इसको हम पोस्ट कर सकते हैं।